बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और पांच अन्य लोगों को दोषमुक्त करार दिया है। इन्हें फौरन जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। उन्हें 2017 में सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। जीएन साई बाबा के अलावा हेम मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिर्की, पांडू नरोटे और विजय तिर्की को भी बरी कर दिया गया है। हालांकि इनमें नरोटे की नागपुर जेल में ही मौत हो चुकी है। उमा सुधीर हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमा, बताइए इस मामले के बारे में। बहुत ड्रामेटिक टर्न अराउंड है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि इमीडिएट रिलीज कीजिए आप जीएन साई बाबा को, जो फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसे आपने बताया 2017 में गच्चीरौली में सेशंस कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और वहां पर एक 900 पेज की ऑर्डर आई थी और उसके बाद उनको नागपुर के सेंट्रल जेल में रख दिया गया था। अब जो बेंच है वो उन्होंने अलाव किया जीएन साई बाबा का जो अपील था इस कन्विक्शन के खिलाफ, और उसको अलाव करते हुए जब होने लगी तब एक टेक्निकल पॉइंट पर रिहा हुए हैं साई बाबा और उनके बाकी कलीग्स। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब ये सेशंस कोर्ट ये केस शुरू होने लगा था तब उनको सैंक्शन लेना चाहिए था। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें एक बहुत क्लियर प्रोविजन है कि आपको 45(1) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए, सैंक्शन लेना चाहिए और उसके बाद ही प्रोसीड होना चाहिए, और वो नहीं किया गया था इस पर्टिकुलर केस में। और कोर्ट ने अब कहा है कि क्योंकि ये सैंक्शन नहीं लिया गया था तो एक जो सेफगार्ड अक्यूज्ड को मिलती है उसको वायलेट किया गया, और इसलिए रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि इनको तुरंत ही रिहा किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट उसके खिलाफ ये किया गया कि क्योंकि आप मेरिट पे आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट में आर्ग्यू कर रहे हैं, सैंक्शन के पॉइंट में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो क्या हम वापस इसको ले आ सकते हैं, तो कोर्ट ने उस बात के लिए भी मना कर दिया ये कहते हुए कि जब रूल ऑफ लॉ चलती है तो सेफगार्ड जो अक्यूज को मिलते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे आपने बताया 6 लोग कन्विक्ट हुए थे और उनमें से एक पांडू नरोटे जो सिर्फ 33 साल के थे उनकी मौत हो गई थी। इनफैक्ट जेल के अंदर ही अगस्त के महीने में उनको बताया गया था कि स्वाइन फ्लू आई है, और बाद में एक्टिविस्ट और उनके परिवार ने भी कहा था कि उनके इलनेस की भी कोई जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी। और जैसे लोग जानते हैं साई बाबा, प्रोफेसर साई बाबा भी 90% डिसेबल्ड माने जाते हैं, उनको व्हीलचेयर पर ही रहते हैं, और उनको उनके वाइफ ने भी अपील की थी कि उनका जो हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से उनको कुछ प्रोविजंस मिलने चाहिए, लेकिन अब मेरिट टेक्निकल इश्यू पे हुआ है और उनके हेल्थ कंडीशन या फिर मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं। बैक टू यू। शुक्रिया उमा यहाँ पर इस मामले को अच्छे से समझाने के लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं रहे हैं जीएन साई बाबा, इनको और पांच अन्य लोगों को दोषमुक्त करार दिया है और फौरन जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। 2017 में आपको बताया यहाँ पर सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।